आप सभी जानते हैं कि YouTube पर जो वीडियो आ रहे हैं उसके लिए परिश्रम कौन कर रहा है, शायद पता है। अगर किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं, रजत जी के अथक प्रयास से ही ये सारा संभव हो रहा है कि आप सभी मुझे जान पा रहे हैं या जाना। आप लोगों को ये भी मालूम होगा, मुझे शायद याद नहीं आता, कपूरथला का वीडियो निकल चुका है कि मैंने इनका ब्रह्म रंध्र खोला था, इनकी ये योग्यता है। इन्हीं ने सबसे पहले कहा था कुंडलनी रॉड की तरह ऊपर गरम गरम चली जा रही है। मैं रजत जी से पूछना चाहता हूँ कि आपका ध्यान का क्या हुआ। हाँ, इन्होंने क्या किया कि जब ये वीडियो बनाते थे उस समय इन्हें लैब भी जाना ज़रूरी होता था, तो एक तरह का जो ये पढ़ाई कर रहे थे पढ़ाई से थोड़े विमुख हो गए और अध्यात्म में उतर आए। नाम के तो विद्यार्थी थे, IIT कानपुर से PhD के छात्र थे, मगर साधक बन गए। मैंने कहा भी कि आप वीडियो में ही लगे रहते हैं एडिट करने में, कि ठीक है गुरु जी, पढ़ाई तो चलती रहती है। MTech किया था तो अशोका लीलैंड में डिप्टी मैनेजर बन गया था, तो क्या मिला? PhD कर लूँगा तो क्या मिलेगा? जो ये मैं यहाँ पर कमा रहा हूँ या जो मुझे ये ज्ञान मिला या जो भी मेरा अभ्यास है वो मृत्यु के बाद भी काम आएगा। खैर चलो, नई उम्र में जैसी बुद्धि है, जो बुद्धि है उस बुद्धि को मैं भी सम्मान करता हूँ। रज जी सत्य बोलिए कि आपकी साधना का स्तर क्या है, यानी आपकी कुंडलनी ब्रह्मरंध्र को भेदन कर गई थी, यानी ब्रह्मरंध्र आपका खुला हुआ था और इसकी रिकॉर्डिंग भी है। शायद साधकों को उस समय साधक भी बैठे हुए थे कपूरथला सुपरवाइजर क्लब में, और जब मैंने ऐसा सिद्धि का प्रयोग करके आपका ब्रह्मरंध्र खोला था। आप बताइए आपने कितने किले फतेह किए हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अब आप क्या हैं, बोलिए, जोर लगाइए। लेकिन जो मुझे पता है कि आप जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ भी नहीं है अभी, कुछ भी नहीं है। मैं या क्या कहूँ, एक काम रात दिन लगे रहते हैं, ये तो समाज का कल्याण है, समाज का कल्याण कर रहे हैं, यानी वीडियो बना रहे हैं, और 196 देश हमारे वीडियो को देखते हैं, यानी लगभग पूरी दुनिया देखती है, तो उसका श्रेय मैं रजत जी को ही दूंगा। लेकिन स्वयं शून्य पर आकर के खड़े हो गए। साधको, हमारा सिर्फ यहाँ बात करने का ये है कि इस लड़के की यानी रजत की सोच बहुत अच्छी है, स्वयं भी अभ्यास करता था ये और वीडियो भी बनाता था। जब मैं इसके साथ IIT में रहता हूँ यानी इसके रूम पे, तो रात के 2-2 बजे तक ये यानी मुझे भी जागना पड़ता, स्वयं भी जागता था और फिर काम करने लगता था। फिर लैब गया तो गया, जब प्रोफेसर ने बुलाया मीटिंग की तो की, नहीं तो बस जय राम जी की, यानी अध्यात्म से जुड़ा। साधको, ऐसा ही साधक मुझे चाहिए। हमारा मतलब ये नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलिया नौकरी करने नहीं गया, आप नौकरी तलाशेगा क्या होगा, लेकिन अध्यात्म को पकड़ लिया और संसार को एक तरफ ढकेलने लगा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम दिव्या ढींगरा है, मैं कानपुर की रहने वाली हूँ और मैं रेडियो के क्षेत्र में काम करती हूँ। गुरुजी, रायवाला के शिविर के बाद मेरा नियम पूरा बन गया था। मैं कम से कम बुरे से बुरे हाल में सुबह 40 से 50 मिनट ध्यान करती थी और शाम को भी करती थी और प्राणायाम भी करती थी। कुंभक में मुझे थोड़ा कष्ट होता था। देखो, मैंने क्या कहा, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, सही बोलता हूँ, पढ़ी लिखी हो क्या? आपके पास सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा समय निकलेगा सोच के बताएं अभी या
समय भी आपके पास, यानी कह सकते हैं कि थोड़ी देर में या जितनी देर में, आपके ऊपर। अगर हाँ कहेंगी, वो बात दूसरी है कि कभी कभार मनुष्य के जीवन में काम आ जाता है तो वो तो एक अलग बात है। जैसे मैं ही बाहर घूमने चला जाता हूँ कहीं भी, सभी को जीवन में काम आ जाते हैं, तो वही बात एक अलग है। सुबह समय में निकालूंगी क्योंकि काफी समय हो गया कि मेरा नियम खराब हो गया। शाम को गुरुजी थोड़ा सा हमारे काम का इधर ठिकाना नहीं रहता है क्योंकि एक प्रोजेक्ट आया हुआ है जिसके करके कई बार हम लोग 8 बजे तक भी आते हैं। तो मैं समझ गया। जी जी, अगर ऐसी बात है तो वो माफ का मतलब कि अगर आप ड्यूटी पर हैं, आपको जरूरत पड़ती है, आपने बताया भी कि काम ज्यादा होता है तो करना पड़ता है। दिव्या जी आप बैठ जाइए, साथ को हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, मैं उन जिम्मेदारियों को व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ, स्पष्ट नहीं बोलना चाहता हूँ कि हर एक की बुद्धि मस्तिष्क विकसित की एक निश्चित सीमाएं हैं। आज नहीं तो कल यही कहेंगे वो योगी आनंद जी थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे। व्यवस्था भविष्य के लिए करने मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए आप सभी साधकों का बड़ी इस तेज गति से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और कुछ हजार साल बाद आप सभी साधक एक बार जरूर आएंगे इस संसार में, उस समय ये संसार ऐसा नहीं होगा, ये तकनीक लुप्त हो चुकी होगी, जो वर्तमान में सारी सुविधाएं हैं ये लुप्त हो चुकी होंगी, फिर वही पहले जैसा होगा। बड़ा कष्ट होगा तुम लोगों को, अध्यात्म डूब रहा होगा, कमज़ोर पड़ रहा होगा, उस समय आना होगा। शायद जिनके कंठ चक्र खुले हुए हैं वो आपस में एक दूसरे को पहचान लें, क्योंकि जब मैं अपने गुरु माता के आश्रम में साधना कर रहा था तो मैंने भी पहचान लिया था कि मेरे शिष्य यहीं पर है। ये बात मैंने माता जी को बताई थी कि कुछ शिष्य मेरे आज गुरु भाई बहन बने हुए हैं, और ऐसी ऐसी बात है, ये बात माता जी ने अकेले में स्वीकार की थी। ये तो सृष्टि का क्रम है, चलता है, चलता रहेगा, इसलिए मैं ऐसा कार्य करता हूँ, यानी ये सारे कार्य हैं। साधकों मैं आप लोगों को शिक्षा के तौर पे कह रहा हूँ, आप लोगों को जो भी प्राप्त हो रहा है यहाँ पर उचित समय पर ही मिल जाएगा अगले जन्मों में। ये नहीं है कि आपकी उम्र 18-20 साल हुई, आपका ब्रह्मरंध्र खुला है, कंठ चक्र खुला है, तो आप साधना करने लगे तुरंत हो जाएगा, तुरंत नहीं, उचित समय पर होगा। जब आपकी योग्यता जैसी होगी वो जीविता प्राप्त होती चली जाएगी, जैसा कि मुझे हुआ। मैंने किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं किया। राधा देवी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये आनंद कुमार की बहन है, हालांकि ये गृहस्थ में है, जिम्मेदारियां हैं घर की, व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। राधा देवी का सिर्फ यही है कि वो आनंद कुमार की बहन है, वर्तमान में वो साधना करती है। कभी भी मनुष्य को हताश नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारी शिक्षा है। मैंने क्या कहा था, मनुष्य को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लग जाना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा अलग बात है, लग जाना चाहिए। और जब मनुष्य लक्ष्य प्राप्त के लिए लग जाएगा तो उसे लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। तो दिव्या जी आपका काम राधा देवी करेंगी, होगा या नहीं होगा अलग बात है, बकाया मैं देख लूँगा बाद में, ठीक है। मैं अपनी बहन से कहना चाहूँगा कि जितनी सरलता से उसने हाँ कर दी है, खुश हो रही है, इतना सरल नहीं है कि जिसने साधना ही ना की हो और आप उसे कुछ दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पावर का प्रयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Remember to like, comment and subscribe.